ब्रेक के बाद खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी के फ्रॉड बिल्डर्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चार बिल्डर्स की लगभग 2 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। रेंज रोवर समेत 8 गाड़ी, 1 स्कूटी और 1 बाइक भी जब्त की गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जब्ती की संपत्ति की है। आपको बता दें कि जब्ती की कार्रवाई की गई मुद्गल होम्स प्राइवेट लिमिटेड और सत्यम रियल बिल्डर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने जनता को फ्लैट बेचकर कमाई थी संपत्ति और बिस्रक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। आपको बता दें कि रेंज रोवर, बाइक्स और कई लग्जरी चीजें यहां से बरामद की गई। इसके अलावा कुछ संपत्तियों को भी कुर्क कर दिया गया है। तो चार बिल्डर्स की लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को यहां पर जब्त किया गया। थाना बिस्रक द्वारा शाबेरी प्रकरण के अंदर करीबन 2 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है। इनके ऊपर गैंगस्टर, इन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। इनकी 8 लग्जरी गाड़ियां और 2 2-व्हीलर जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। आज तो संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि शाहबेरी के फ्रॉड बिल्डर्स पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और काफी समय से इनके बिल्डर्स के ऊपर तमाम कार्रवाई की बात की जा रही थी। ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, एक बड़ी कार्रवाई शाहबेरी के अंदर हुई है बिल्डर्स के ऊपर, जिसके काफी समय से मांग भी की जा रही थी। फिलहाल इस प्रकरण में अब क्या कुछ नजर आता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शाहबेरी के अंदर लगातार शाहबेरी को लेकर के चर्चा में हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम होता है वहाँ की जो इमारतें वहाँ पर बनी हुई है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई है, उनको लेकर के हमेशा सवाल खड़ा होता है। तो इसी के चलते जो शाहबेरी के फ्लॉट बिल्डर्स है उन पर बिस्रक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। 4 बिल्डर है जिन पर करीब उनकी 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें रेंज रोवर के समेत करीब 8 गाड़ियां हैं और 1 स्कूटी और 1 बाइक जब्त की गई है। ये जो कोर्ट के आदेश पर इसका गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के अंतर्गत ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। साथ में यहाँ पर पुलिस के द्वारा बताया गया कि अभी कुछ बिल्डर्स के पास में और उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको जब्त करने का प्रयास अभी और किया जा रहा है। जो उनकी संपत्ति को पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।